So, good afternoon, everybody. We'll be starting with the first chapter of LR, Logical Reasoning. This is a very interesting topic, see. And this is very, very scoring. दूसरी चीज़ जब हम logical reasoning पढ़ रहे हैं ना, पता है आपको pre-planning कुछ नहीं करनी है, pre-knowledge कुछ नहीं लेनी है. It's all logic and it's all practice, right? So इसके लिए मतलब मैं ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये 20 नंबर ऐसे हैं जहाँ पे आप बिना कोई लर्निंग करें, मतलब माथे में कुछ नहीं घुसाना है, ठीक है? यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग इन योर ब्रेन, यू जस्ट हैव टू लर्न द लॉजिक, लॉजिक कैसे लगता है, और आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट. एंड दिस कैन फेच यू 20 मार्क्स पूरा पूरा. सो दिस इज जस्ट लाइक अ, वी कैन से अ चेरी, आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक चेरी है, मतलब फ्री की मिलेगी, होती है ना ऊपर आइसक्रीम के ऊपर डली हुई होती चेरीज, वो वाली फ्री की मिलेगी. सो ट्राई टू गो थ्रू दी एल आर चैप्टर्स प्रॉपरली एंड दिस विल एक्चुअली फेच यू गुड मार्क्स. एंड यू डोंट नीड टू स्टडी मच अबाउट एल आर ऑल्सो, कुछ याद नहीं रखना है, जस्ट हैव टू प्रैक्टिस, राइट? सो we'll be practicing many questions in our class also. Let's start with the first chapter. I'll be starting with direction test. So direction test, choti classes mein bhi aap log matlab jab se hum bacche the tab se humko directions padhaye jate hain, north south, theek hai, uttar dakshin. Choti classes mein geography mein padha hai north pole south pole, hai na, latitude longitude mein jab aap log geographical features padhte the geography mein to aapne bahut baar नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो बहुत पड़ा है. सो दिस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम लोग अप्लाई करेंगे इन सम लॉजिकल क्वेश्चंस जहाँ पे हम लोग डायरेक्शंस रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है? यू हैव टू फाइंड दी अल्टीमेट डायरेक्शन. मैं कहीं चल रही हूँ, लेफ्ट टर्न करी, राइट टर्न करी, अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गई. दीज आर सम क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे आते हैं. नाउ दिस एंटायर टॉपिक, दिस एंटायर लॉजिकल रीजनिंग विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू यू. दूसरी चीज़, ये इतना अच्छा मूड रिफ्रेशिंग आपका सब्जेक्ट होता है दैट वेन एवर यू आर बोर्ड, वेन एवर यू आर डन कि नहीं यार अब और पढ़ाई नहीं हो रही है पर हमको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट. आप कभी भी उठाओ इसके 5-10-15 क्वेश्चन करो, माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, एंड अगेन यू कैन स्विच बैक टू योर स्टडीज. सो दिस इज़ जस्ट लाइक अ मूड फ्रेशनर फॉर एवरीबडी. सो जब भी एग्जाम का प्रेशर लगे ना कि यार पढ़ाई नहीं हो रही है और अब तो डर लग रहा है, तो 15-20 क्वेश्चन एलआर के कर लेना, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस, मूड फ्रेश का फ्रेश, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? डायरेक्शन सेंस टेस्ट हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. बात करते हैं इस चैप्टर की थ्योरी के बारे में. बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चंस, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द बेसिक थ्योरी अबाउट दिस. सो छोटे थे तब सबने कंपास तो देखा होगा, कंपस हमने देखा है, एवरीबडी हैज सीन कंपस आई थिंक, है ना? सो आपने देखा है उसमें चार डायरेक्शंस होते हैं बेसिकली, एंड दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऐसा कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है अपना मैथ्स का, एक्स वाई एक्सिस, वैसा ही कुछ परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारे पास चार डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है? ऊपर की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ बोलते हैं इसको हम, NORTH पूरा लिख देती हूँ, चलो मैं अभी. नीचे जाते हैं तो हम साउथ बोलते हैं, सही भी है ना? अर्थ के अंदर भी हम लोग बताते हैं नॉर्थ पोल ऊपर होता है, साउथ पोल नीचे होता है, ये ध्यान है सबको. नाउ टुवर्ड्स योर राइट, व्हेन एवर यू आर डूइंग, सो टुवर्ड्स योर राइट दिस विल बी योर ईस्ट, एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट विल बी योर वेस्ट, ठीक है? अभी पता है, आई हैव लिसन, दीज आर द फोर मेन डायरेक्शंस, हमारे चार मेन डायरेक्शंस होते हैं, दीज आर फोर मेन डायरेक्शंस, इनको हम मेन डायरेक्शंस कहते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. नाउ देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो पता है ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वेस्ट कौन सा है, ईस्ट कौन सा है. सो आई एम टेलिंग यू अ ट्रिक, अब हमेशा इंग्लिश में जब भी तुम कुछ भी राइटिंग करते हो तो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हो ना, यू ऑलवेज राइट लाइक दिस ना, MAIN. डू यू ऑलवेज राइट लाइक दिस, MAIN? हाउ डू यू राइट द फर्स्ट वन? ये वाला लिखते हो ना हमेशा लेफ्ट टू राइट, तो मैं भी है ना लेफ्ट टू राइट ही लिखूंगी. आप लिखो V, ठीक है?
सो वी, जब आप वी लिखेंगे देखिए वी आया, सो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, राइट जब भी, अभी ये तो मैंने बहुत बड़ा सारा बनाया तो इसलिए आपको दिख ऐसे समझ नहीं आया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट वी, ठीक है। सो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी आपका, वेस्ट आपका हमेशा और ईस्ट आपका हमेशा, कंफ्यूजन ही नहीं होगा, याद रखिएगा वी शब्द। दिस इज नॉर्थ और साउथ तो सब कुछ सब डिफाइन कर लेंगे, द प्रॉब्लम कम्स इन वेस्ट एंड ईस्ट। सो वेस्ट और ईस्ट को लर्न करने का तरीका ये है, नोबडी विल गेट कंफ्यूज। नाउ अलॉन्ग विद दीज फोर डायरेक्शंस वी हैव फोर कार्डिनल डायरेक्शंस और ऑक्सिलरी डायरेक्शंस ऑल्सो, जो इनके बीच में लाए करते हैं, ठीक है। सो कार्डिनल और ऑक्सिलरी, चार ऑक्सिलरी या चार कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं। नाउ हियर यू कैन सी दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो क्या मैं कह सकती हूँ हर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल, ये तो पढ़ा है हम लोगों ने, बेसिक मैथ्स है, छोटी क्लास की फोर्थ फिफ्थ क्लास वाली मैथ्स ही है, ठीक है। सो 90 डिग्री एंगल सबके बीच में है। एंगल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे से नहीं पूछे जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द कार्डिनल डायरेक्शंस, तो कार्डिनल डायरेक्शंस जो होते हैं वो हर दो डायरेक्शन के बीच में होते हैं, मतलब इन द सेंटर ऑफ एवरी टू मेन डायरेक्शन लाइज वन कार्डिनल डायरेक्शन। सो हियर देयर विल बी वन कार्डिनल डायरेक्शन, हियर देयर विल बी वन कार्डिनल डायरेक्शन, इन दोनों के सेंटर में भी एक कार्डिनल डायरेक्शन और इन दोनों के सेंटर में भी एक कार्डिनल डायरेक्शन। सेंटर बोल रही हूँ इसका मतलब मैं 90 डिग्री को स्प्लिट कर रही हूँ इंटू दो पार्ट्स विच इज ऑफ 45 डिग्री ईच, ठीक है। तो इधर से मैं बोल सकती हूँ एक मेन और एक कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, करेक्ट है ना। और इधर देखिए आप, इसमें भी 45 और इसको भी 45 ही है। सो कोई भी दो मेन डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री, कोई भी दो कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में भी 90 डिग्री, देखो 45 इसका और 45 इसका, 90 डिग्री हो गया। एक मेन एक कार्डिनल के बीच में क्या है 45 डिग्रीज, आया समझ में सबको, याद रहेगी ये बात एवरीबॉडी। ऑलराइट नाउ सी, अब हम इनको नाम देते हैं। तो देखिए क्योंकि ये जिन दो मेन डायरेक्शंस के बीच में लाए करेंगे ना वहीं पे उनका नाम आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। कंप्लीटली लिखूं तो डैश लगा देती हूं बस बीच में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज माई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, सो दिस विल बिकम माई साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो एस ई से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। देन दिस विल वेस्ट एंड साउथ के बीच में है तो साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। सो फोर मेन डायरेक्शंस एंड फोर कार्डिनल डायरेक्शंस, दिस ऑल यू नीड टू मेमोराइज इन द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मतलब यही कंसेप्ट है और कोई कंसेप्ट नहीं इस चैप्टर में, बस ये चार डायरेक्शंस आपको रिकग्नाइज करने आने चाहिए। मैं बोल रही हूँ मैं नॉर्थ से राइट में गई, तो देखो जरा मैं नॉर्थ जा रही हूँ और उधर से राइट में गई, राइट की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ से लेफ्ट में गई, नॉर्थ में जा रही हूँ उधर से लेफ्ट मुड़ गई, सो वेस्ट आया। साउथ में जा रही हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड साउथ, राइट। अच्छा साउथ से राइट में मुड़ गई, साउथ जा रही थी और अभी मैं राइट में मुड़ गई, तो बताओ क्या होगा, वेस्ट, करेक्ट। क्योंकि मैं ऐसे जा रही हूँ, अब आप देखो आई एम मूविंग लाइक दिस नीचे की तरफ, तो यहाँ मेरा मतलब साउथ में मेरा फेस होगा, तो उस तरफ मेरा राइट हैंड किस तरफ स्ट्रेच होगा, राइट हैंड मेरा उस तरफ स्ट्रेच होगा, सो आई विल बी स्ट्रेचिंग दिस वे, सो दिस इज व्हाट वेस्ट, जब आप उस तरफ जा रहे हैं इट इज वेस्ट, जब आप इस तरफ आ रहे हैं इट इज ईस्ट, राइट। सो मैं वेस्ट में मुड़ गई, ऑलराइट। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, अभी मैंने दो ही टर्न्स बताए, जैसे मैं नॉर्थ में जा रही थी फिर राइट मुड़ गई, या नॉर्थ में जा रही थी लेफ्ट मुड़ गई, ये तो दो ही टर्म्स हैं। अब हमारे को दो तीन बार टर्न्स दे दी कि पहले राइट गई फिर लेफ्ट गई फिर राइट गई फिर लेफ्ट गई, ऐसी खेल रही थी मैं तो बताओ नेट में कहाँ मूव कर रही हूँ। ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी विल बी इनकाउंटरिंग हियर, इज इट क्लियर टू ऑल,
एवरीबॉडी ऑल राइट. सो सी और तो कुछ उसमें थ्योरी है नहीं. सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया कि कैसा क्वेश्चन आता है. ठीक है. एंड अदर थिंग, कुछ भी याद नहीं करना है. याद तो हो ही गया होगा, अभी पिक्चर दिमाग में सेट हो गई होगी. कभी भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, आपको लगता है कि नहीं यार आई एम नॉट एबल टू रिकग्नाइज, मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, वॉट शुड आई डू, तो कुछ नहीं, पेपर के साइड में बना दो उसको, छोटा सा ही तो बनाना है, कहीं पे बना के रख लो, उसको बार बार रेफर करके आपके क्वेश्चंस को आंसर कर लीजिए. आया समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल एवरीबॉडी? हाँ जी, संकेत, अभिनव, नमन, दर्शिता, अभिनव, दिशा, ऑल ऑल दीज पीपल टर्न ऑन योर कैमरास. हर्षित, देयर मेनी. चले आगे. सो मूविंग टू द क्वेश्चंस. आप लोगों के लिए मैं भी यहाँ साइड में बना देती हूँ. माइंड में पिक्चर नहीं बन रही है, कोई बात नहीं. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट. ठीक है, वी ओके. देन बाकी तो बाद में लिख लेंगे जरूरत हुई तो. ठीक है, ये चार मेन डायरेक्शन हमने बना लिए. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर वन. अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वर्क्स 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ. एक पर्सन है, ही स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट और वो 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ. सो पहला क्या है? 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. देन ही टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स. मेन आप अपने क्वेश्चन में अंडरलाइन कर सकते हैं जस्ट वन आफ्टर द अदर क्या स्टेप्स ले रहा है वो. देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, मतलब राइट मुड़ा फिर और राइट मुड़ा, राइट गई फिर वापस राइट गई. ठीक है, सो अगेन टर्न्स राइट, वापस राइट टर्न किया है. यू हैव टू फाइंड इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, वो अब किस तरफ फेस कर रहा है. राइट, सो ये वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वेन एवर यू हैव डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑलवेज गो विथ दीज डायग्राम्स. मैं आपको एक डायग्राम बनाना सिखाती हूँ, उनको हम लाइन डायग्राम्स कहते हैं बेसिकली. ठीक है, और जितना वो चल रहा है ना उसके हिसाब से आप उसकी लाइन की लेंथ बना लो. जैसे 2 किलोमीटर है तो 2 बना ली, 3 बनाए नहीं है तो 3 को थोड़ी सी बड़ी बना दो, 4 को थोड़ी और बड़ी बना दो, 1 बनानी है तो छोटी बना दो, दैट डिपेंड्स. ठीक है, यू विल कम टू नो वंस यू आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर. सो देखिए, 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, सो नॉर्थ की तरफ मैं ऐसे मूव करूंगी, दिस इज 2 किलोमीटर्स, करेक्ट, 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ. देन मैं राइट टर्न कर रही हूँ, राइट टर्न कर रही हूँ तो मैं कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ? ईस्ट, वेरी नाइस. ठीक है, सो मैं ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर. अच्छा, ये भी 2 किलोमीटर है तो मैं बराबर की ही लाइन बना रही हूँ. अभी मैं ईस्ट में जा रही हूँ, आई एम फेसिंग लाइक दिस, अपने आप को ऐसे इमेजिन करो. अब वापस से टर्न राइट कर रही हूँ और वॉक कर रही हूँ, मेरे को नहीं पता कितना, पर वॉक कर रही हूँ. तो आप बताओ, अब जब मैं जा रही हूँ तो मेरा राइट किस तरफ आएगा? साउथ की तरफ, क्योंकि मैं, देखिए मैं ऐसे जा रही हूँ, समबडी सेड्स नॉट, सो मैं ऐसे जा रही हूँ. नाउ सी, इफ आई एम गोइंग लाइक दिस तो मेरा राइट ऐसे है और लेफ्ट ऊपर है. सो देखिए, राइट किधर गया? नीचे. सो अब मैं वॉक करे जा रही हूँ. अब अल्टीमेटली मेरा फेस क्या है, किस तरफ है फेस? सी, मेरा एरो हेड किस तरफ है? टुवर्ड्स द साउथ. सो अल्टीमेटली नाउ आई एम फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, दिस इज द आंसर. आया समझ में एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है, मैं बड़ा लिखती हूँ. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. रामू वॉक्स 5 किलोमीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस टूवर्ड्स वेस्ट. मतलब रामू अपने घर से निकला, ये उसका होम है. ठीक है, ही वॉक्स फर्स्ट 5 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट. ठीक है, 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया. देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर. राइट टर्न किया और फिर 3 किलोमीटर चला. सो राइट में 3 किलोमीटर्स. ठीक है, देन देयर आफ्टर शी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर. अगेन लेफ्ट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चला.
सो थर्ड लेफ्ट एंड 2 किलोमीटर्स राइट. देन फर्दर शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर. मतलब एक बार लेफ्ट किया तो 2 किलोमीटर, फिर वापस से लेफ्ट किया फिर 3 किलोमीटर्स, सो अगेन लेफ्ट एंड 3 किलोमीटर्स. यहाँ पे आपको ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन्स है ना ये भी ये समझ आएगा. देन शी टर्न्स फाइनली उसका जो फाइनल टर्न है दैट इज शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर. मतलब लेफ्ट लेफ्ट फिर वापस से राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स. ये बेसिक पॉइंट्स आप वहाँ पे अंडरलाइन करते जाइए. इन व्हाट डायरेक्शन शी इज फेसिंग नाउ फ्रॉम हर हाउस, उसके घर से वो अब कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है राइट. सो लेट्स स्टार्ट. ये उसका घर है, घर से वेस्ट की तरफ गई 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ. वेस्ट किस तरफ होगा मेरा? लेफ्ट. सो मैं इधर जाऊंगी 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर्स मेरा वेस्ट. फिर जब मैं वेस्ट में जा रही हूं आई हैव अल्टीमेटली टर्न्ड राइट, तो बताइए राइट किस तरफ जाऊंगी. अभी मैं ऐसे वेस्ट में जा रही हूं, मेरा मुंह उस तरफ है तो राइट मेरा ऊपर है ठीक है. सो नॉर्थ में 3 किलोमीटर्स करेक्ट. सो अब मैंने मैग्नीट्यूड देखो थोड़ा छोटा कर दिया क्योंकि 5 किलोमीटर के बाद 3 किलोमीटर्स. फिर जब मैं राइट में चल रही थी अब मैं लेफ्ट टर्न कर गई, अब मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है और मैं लेफ्ट टर्न कर गई, तो बताओ कहाँ टर्न करूंगी? वेस्ट. वेरी नाइस. सो इधर मैं 2 किलोमीटर टर्न करी और इतना चली ठीक है. फिर वापस लेफ्ट टर्न कर गई, मतलब मैं अभी वेस्ट में जा रही हूँ वापस से लेफ्ट टर्न कर गई, तो बताओ लेफ्ट किस तरफ है मेरा? साउथ. नीचे है लेफ्ट. सो दिस इज 2 किलोमीटर, तो मैं 3 से थोड़ा छोटा बनाऊंगी 2. सही है. अब बोल रहा है लेफ्ट. अब फाइनली मैं राइट में 3 किलोमीटर मूव कर गई. फाइनली मैं यहाँ से राइट, मैं साउथ फेसिंग हूँ, राइट में 3 किलोमीटर मूव करी, मतलब अल्टीमेटली मैं अब इस तरफ 3 किलोमीटर मूव कर गई. अब मैं यहाँ पे सिचुएटेड हूँ, दिस इज मी नाउ. सो अब क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ कि मैं किस डायरेक्शन में हूँ मेरे घर से. मेरे घर से कौन से डायरेक्शन में हूँ? देखो जरा ये मेरा घर है, है कौन सा डायरेक्शन? वेस्ट. सही ना. ये मेरा घर है, मान लो ये सेंटर पॉइंट है, ये रहा घर के इस तरफ हूँ मैं, घर के इस तरफ हूँ मैं, मतलब मैं मेरे घर के वेस्ट डायरेक्शन में हूँ करेक्ट. हाय ना, एम आई क्लियर टू ऑल एवरीबडी? संकेत आया, दर्शिता, श्रेया, आदित्य, हर्षित, नमन, प्लीज ऑन ऑन योर कैमरास एवरीबडी. नाउ मूविंग अहेड, एक क्वेश्चन ऐसे है ना, हम लोग सी दिस इज कि अल्टीमेटली आप किस डायरेक्शन में हैं, फिर हम और वेराइटीज पे मूव करेंगे. सो द कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज. मैं स्टार्टिंग थोड़े इजी से स्टार्ट कर रही हूँ. पहले हम लोग हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस फिनिश करेंगे एंड देन वील मूव टू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस ठीक है. ऑलराइट, बिकॉज एनीवेज आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ है ही नहीं करने को ठीक है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम ए स्कूल. 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम ए स्कूल निकला है वो, तो स्कूल से सीधा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर स्ट्रेट. पहला, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर. फिर ये राइट टर्न किया और 1 किलोमीटर चला ठीक है. अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस. वापस राइट टर्न किया और 1 किलोमीटर चला और हाउस में पहुंच गया, मतलब स्कूल से निकला और हाउस पहुंच गया, घर पहुंच गया ठीक है. नाउ इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम द स्कूल, मतलब हाउस जो है वो साउथ ईस्ट में है फ्रॉम द स्कूल. स्कूल से हाउस जो है वो साउथ ईस्ट में है, ये दे दिया हमको. स्कूल से हाउस का डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट. देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल, तो बताओ कौन से डायरेक्शन में गोपाल ने वॉक करना स्टार्ट किया था. सो देखिए
ऐसे नहीं, रैंडमली आंसर नहीं। देखिए आपको बनाना पड़ेगा इसको, ये इसका स्कूल है मान लेते हैं, है ना, दिस इज अ स्कूल। अच्छा स्कूल को सेंटर में मान लो, और स्कूल से हाउस जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे साउथ ईस्ट बना लेती हूँ। ये मेरा हाउस हो गया, यहाँ मेरा हाउस है, करेक्ट, हाँ है ना। अब देखो स्कूल से इसने बोला था स्ट्रेट चला, अब स्कूल से इधर भी चल सकता था, 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 कहीं पे भी चल सकता था वो, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले बात करते हैं हम, स्कूल से 2 किलोमीटर स्ट्रेट चला, फिर राइट टर्न किया और फिर वापस राइट टर्न किया, तो बताओ कैसे होएगा। स्कूल से ऐसे चला 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर ऐसे चला, देखो राइट टर्न किया, फिर वापस से ऐसे चल रहा था, फिर राइट टर्न कर गया, तो घर पहुंच गया। देखो जरा, तो इनिशियली इसने स्टार्ट किया होगा कौन से डायरेक्शन में, विच डायरेक्शन, उधर ही चला था ना ये, हाँ है ना, सोचिए। अच्छा अगर आपको नहीं, क्या, हाँ ऑप्शन से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं थे तो मैंने, अच्छा मैंने लिखे ही नहीं ऑप्शन आपके। नॉर्थ में चलाएं, अच्छा ठीक है नॉर्थ में भी चला के देखते हैं। चलो ये स्कूल है और ये हाउस है, ठीक है, नॉर्थ में चलाओ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नॉर्थ में चला 2, ठीक है, फिर उसके बाद राइट टर्न किया तो 1 किलोमीटर चला 1, फिर वापस से राइट टर्न किया, तो देखो मैं तो राइट टर्न करके यहीं तक ही पहुंच पाई ना, इसलिए आपको यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको वो मैग्नीट्यूड ऑफ लाइंस का मतलब समझ आया होगा, अगर आप नॉर्थ में चला रहे हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ लाइंस देखो, हाँ अल्टीमेटली इसी इट विल बी समथिंग लाइक कि ऐसे जाके ऐसे और यूं, ये ऐसे ही रीच किया है, आप ऐसे सोचो कि फिर तो ये सीधा ही ऐसे आ गया, फिर तो नहीं, 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ा है तो कम से कम 5 किलोमीटर तो नीचे आना चाहिए साउथ वेस्ट में आने के लिए। भाई अगर आप नॉर्थ में चला रहे हो और घर है साउथ में, ठीक है, तो ऊपर जाने के बाद वापस रिटर्न जर्नी में कम से कम 2 किलोमीटर ये तो करना ही है, उसके बाद 1-2 किलोमीटर और चलना पड़ेगा साउथ जाना है, तो लॉजिकली सोचो, क्योंकि ये 1-1 किलोमीटर, अगर ये जैसे 5 किलोमीटर लिखता ना यहाँ पे कि राइट टर्न किया और 5 किलोमीटर चला, तो पता है मैं दोनों ऑप्शन सोचती, देन इन दैट सिनेरियो मैं हाँ नॉर्थ वाला भी सोचती, क्योंकि ये 5 किलोमीटर नीचे आया है, राइट, पर यहाँ पे क्या है, इसने 1 किलोमीटर ही बताया, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, तो डेफिनेटली नॉर्थ में जाके 1 किलोमीटर रिटर्न करेगा तो नहीं पहुंचेगा साउथ वेस्ट में, वो फिर कोई नॉर्थ वाले सेक्शन पे ही रह जाएगा, यहीं पे नॉर्थ ईस्ट में ही कहीं रह जाएगा, राइट। अगर देखो ना वहां पे क्या वेस्ट डायरेक्शन में चलाते हैं, तो देखिए 2 किलोमीटर चला, ठीक है, देन टर्न्स राइट, तो ऊपर चला गया राइट 2 किलोमीटर, ओ सॉरी 1 किलोमीटर, फिर वापस राइट, तो यहां आ गया, तो ये तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया ना इसकी कंपैरिजन में, देखो आया समझ में, इज दिस क्लियर, यू कैन गो थ्रू, सी दिस इज जस्ट लाइक कि आप कितना अपने माइंड को करवा रहे हो, कितनी प्रैक्टिस करवा रहे हो, कितनी मेहनत करवा रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। सो आपका अच्छा था, यू वर आस्किंग कि ठीक है भाई वेस्ट में चलाता हूँ, अभी साउथ में भी चला लेता हूँ, साउथ में चला के देखो तो वो ईस्ट तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ, तो ईस्ट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, देखो तो अभी साउथ में भी चलाते हैं, 2 किलोमीटर चला साउथ में जा रहा है, राइट टर्न करा है, राइट टर्न करा है मतलब इधर चला गया, ठीक है 1 किलोमीटर, फिर फर्दर यहाँ जाते जाते राइट टर्न कर गया, तो यहाँ पे यहाँ कहीं है, तो ये क्या हो गया आपका साउथ ऑफ वेस्ट, हाँ है ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन रिजेक्ट, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है आया, ऑप्शन एक के करो ना आराम से, 1 2 3 4, चार ही ऑप्शन होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ऑलराइट, इज इट क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी तक हम लोगों को वो मैग्नीट्यूड ऑफ लाइंस का इतना लॉजिक नहीं समझ आया था, अब इस क्वेश्चन के बाद आपको समझ आएगा कि क्यों मैं लाइंस को छोटी बड़ी बना रही हूँ. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ. तो एक पर्सन है, वो पहले 2 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, एक पॉइंट से स्टार्ट किया 2 किलोमीटर नॉर्थ, टर्न्स टुवर्ड्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर. राइट में वॉक कर रहा है वापस से 2 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, फिर से राइट में, पर वॉक कर रहा है कितना कर रहा है ये नहीं बताया, कितने किलोमीटर नहीं बताया. बताओ अल्टीमेटली कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है. दिस एवरीबडी कैन ट्राई नाउ. हम लोगों ने बहुत दो वेराइटीज कर, दो टाइप्स, दो क्वेश्चन कर लिए सी टाइप के. कौन सा डायरेक्शन है? साउथ. सो नाउ ही इज फेसिंग साउथ. इसने बोला एक पॉइंट से चला, तो मान लेते हैं ये पॉइंट है ए. ठीक है, पहले गया 2 किलोमीटर, तो ये लो भैया 2 किलोमीटर नॉर्थ में. फिर इसने राइट टर्न किया और 2 किलोमीटर चला, तो ये 2 किलोमीटर. ठीक है, राइट टर्न करा, ऐसे चल रहा था, अब ऐसे चल रहा था, ऐसे अभी वापस राइट टर्न कर रहा है, मतलब वापस से इधर ही मूव कर रहा है. तो देखो पर बिल्कुल एग्जैक्ट, अच्छा कितना भी हो सकता है ये तो. खैर, सो ही इज नाउ फेसिंग टुवर्ड्स साउथ. 2 नहीं लिख रही, कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसने बोला बस वॉक कर रहा है. सो अल्टीमेटली इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ. आया समझ में? इज दिस क्लियर टू ऑल? ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वेराइटी, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अगेन, जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ. तो जानकी अपने घर से निकली, 2 किलोमीटर तो नॉर्थ की तरफ गई. देन शी टुक अ राइट टर्न एंड कवर्ड 1 किलोमीटर. फिर राइट में इसने 1 किलोमीटर कवर किया है. ठीक है, देन शी टुक अगेन अ राइट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर्स. सो अगेन अ राइट टर्न एंड अगेन वॉक 2 किलोमीटर्स. फाइंड द डायरेक्शन, इन वॉट डायरेक्शन शी इज गोइंग नाउ. सेम है, साउथ. ठीक है, अब इसमें क्या परफेक्ट आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो आप परफेक्टली निकाल सकते हैं. ठीक है, सो हियर यू हैव हर हाउस, दिस इज हर हाउस. 2 किलोमीटर नॉर्थ में चली, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, 2 किलोमीटर नॉर्थ में. फिर राइट टर्न किया, राइट टर्न किया मतलब इस तरफ टर्न किया, मतलब टूवर्ड्स द ईस्ट 1 किलोमीटर चली. ठीक है, फिर वापस से राइट टर्न किया और 2 किलोमीटर, मतलब यहीं पे ही है वो, ये रही वो, पर उसका मुंह किस तरफ है? उस तरफ, साउथ की तरफ, क्योंकि अभी टर्न करके, यू टर्न लेके आ गई एक तरीके से. देखो ना, तुम यू टर्न लेके नहीं आते हो क्या? तो अब आप आपके घर के ऑपोजिट साइड फेस कर रहे हो. राइट, आया समझ में? इज दिस क्लियर? अंशुल, डोंट यूज योर फोन. ओके, चले आगे. Moving ahead, now we'll be moving to the exercise question of your module. If you have your module on the table, it's okay. If you don't have, I'll say the question. मैं कुछ selected questions कराऊंगी module के, कुछ selected आपके लिए homework होंगे. Okay, जो छोड़ूंगी वो homework है. ठीक है? Alright, moving to the first question only. सबसे पहले first तो नारियल तो मैं ही फोड़ देती हूँ, उसके बाद तुम start कर लेना. मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए. मोहन है, वो एक ए पॉइंट से मूव करा है, वॉक्स 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ. ए पॉइंट से 1 किलोमीटर साउथ में. ठीक है, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, देन अगेन 1 किलोमीटर टूवर्ड्स लेफ्ट. लेफ्ट टर्न किया 1 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर. वापस से 1 किलोमीटर इन लेफ्ट डायरेक्शन. अब इसे आपके क्वेश्चन में जब आप पढ़ रहे हैं तो कीवर्ड्स मार्क कर लीजिए, आपको डायग्राम बनाने में इजी हो जाएगा. नाउ ही इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन? नॉर्थ. देखिए जरा, कोई नॉर्थ बोल रहा है और कोई साउथ बोल रहा है, ऐसा है क्या कोई? ये ए पॉइंट है, साउथ डायरेक्शन किधर होगा? ए से नीचे की तरफ. ठीक है, सो हम यहाँ पे 1 किलोमीटर इसको नीचे ले जाते हैं, बराबर लाइंस बनाऊंगी क्योंकि 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस है. अब नीचे जा रही हूँ, लेफ्ट टर्न कर रही हूँ, लेफ्ट टर्न कर रही हूँ इसका मतलब इधर मूव कर रही हूँ,
यही होगा लेफ्ट, मेरा नीचे जाते टाइम तो लेफ्ट उस तरफ ही जाएगा, राइट लेफ्ट, ठीक है लेफ्ट इस तरफ मूव कर गई, अब इधर जा रही हूँ, अब वापस ये बोल रहा है कि भाई मैं फिर से लेफ्ट टर्न कर रही हूँ, तो राइट टर्न तो नीचे है, लेफ्ट टर्न ऊपर है, सो अगेन 1 किलोमीटर गिरा और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। तो बताओ यू टर्न ये तो लेके आई हूँ, साउथ की तरफ चली थी वापस यू टर्न लेके आऊँ, नॉर्थ की तरफ आ गई, सो यू टर्न ही है ये, देख लो आया समझ में, इज दिस क्लियर? निष्ठा दिशा टर्न ऑन योर कैमरा विदुषी, चले आगे मूविंग हेड। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 4 माइल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, सो दे आर सेइंग 4 माइल्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, एक पॉइंट से स्टार्ट किया 4 माइल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 माइल्स, 6 माइल्स, टर्न्स राइट एंड वॉक 3 माइल्स, राइट फिर 3 माइल्स, ठीक है एंड वॉक्स फॉर 3 माइल्स, ओके अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 माइल्स, फिर से राइट टर्न किया और 4 माइल्स चला, ठीक है देन टेक्स अ रेस्ट फॉर 30 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स रुक गया, फिर ही गेट्स अप एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में इसी में ही राइट में ही 2 माइल्स और चला, मतलब यहाँ रेस्ट किया इसने, रेस्ट करके फिर 2 माइल्स सेम डायरेक्शन में चलता रहा एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 माइल, फिर यहाँ से इसने राइट टर्न किया और 1 माइल चला, नाउ व्हाट डायरेक्शन ही इज फेसिंग राइट नाउ, तो थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके चल रहे, साउथ साउथ एवरीबॉडी साउथ, यू आर गेटिंग दिस, साउथ देख लीजिए, ये एक पॉइंट से चला नॉर्थ, ये एक पॉइंट है मान लेते ए पॉइंट, ठीक है यहाँ से 4 माइल्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, सो 4 थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये 4 माइल्स टुवर्ड्स नॉर्थ राइट, देन लेफ्ट टर्न करता है और 6 माइल्स चल रहा है, लेफ्ट टर्न नॉर्थ से लेफ्ट टर्न मतलब मेरे वेस्ट की तरफ और 6 माइल्स, तो मैंने 4 से थोड़ा बड़ा बनाया इसका मैग्नीट्यूड, देन ही टर्न्स राइट अगेन, सी ही इज गोइंग एंड यहाँ से ये राइट टर्न ले रहा है, मतलब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, देखो तो ये नॉर्थ में राइट में 3 किलोमीटर्स, करेक्ट सही है क्या, अब ये वापस से राइट टर्न ले रहा है देखिए और 4 किलोमीटर जा रहा है, सो अगेन राइट टर्न, तो राइट टर्न इधर हो गया और 4 किलोमीटर चला, ठीक है फिर इसने रेस्ट किया यहीं सो गया थोड़ी देर 30 मिनट्स, फिर उठा फिर 2 किलोमीटर, मतलब अल्टीमेटली इसी के सामने आ गया, 6 किलोमीटर वापस चल लिया, हाँ है ना, तो ये अभी ऐसे चल रहा है, अब यहां से ये वापस से राइट ले रहा है, वापस से राइट ले रहा है और 1 किलोमीटर चला है राइट में 1 माइल, मतलब यू नीचे की तरफ 1, बताओ किस तरफ फेस कर रहा है, मैं ऐसे मूव कर रही हूं अब, सो नाउ आई एम फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, ठीक है थोड़ा सा घुमा फिरा के लेके जा रहा था पर ठीक है, सो ही इज नाउ फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, एवरीबॉडी इज गेटिंग द सेम आंसर, आ रहा है क्या, ऑलराइट सबकी गर्दन हिल गई है, समझ आ गया है, ओके चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड आपका होमवर्क हो गया, मतलब मैंने छोड़ा मतलब आपका होमवर्क, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए, वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, ठीक है ए पॉइंट से स्टार्ट किया और 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी में चला, स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए फिर 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, इतना ये चला पॉइंट बी है, ठीक है देन टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी, फिर ये नॉर्थ में मूव किया और 3 किलोमीटर चला और कहाँ पहुँच गया, सी पॉइंट पे,
देन टर्न वेस्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर्स टू पॉइंट डी. फिर वेस्ट टर्न किया, फिर 12 किलोमीटर्स चला और डी पॉइंट पे पहुंच गया. मतलब जब वो चल के पहुंचा तो डी पॉइंट पे पहुंच गया. देन अगेन टर्न साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर्स टू पॉइंट ई. साउथ 3 किलोमीटर्स और पॉइंट ई पे पहुंच गया. ओके, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट? ट्रिकी वन. वेस्ट, समबडी सेइंग वेस्ट. वेस्ट, एनीबडी एल्स ट्राई किए? वेस्ट, साउथ वेस्ट भी बोला है कोई? अच्छा मैं ऑप्शंस बता देती हूँ. ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ, मतलब मेन डायरेक्शंस ही हैं. मेन डायरेक्शंस ही हैं. देखो साउथ वेस्ट नहीं है, मतलब ऑप्शन में ही नहीं है. तो वापस देखिए कैसे बनाना स्टार्ट किया आपने अपने डायग्राम को, कोई आइडिया? एनीबडी हु कैन गाइड मी? ए से मैं चलना स्टार्ट करी थी. ठीक है भाई, ये ए हूँ मैं. अच्छा 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी चली हूँ मैं, मतलब बी के ईस्ट में 10 किलोमीटर. तो बी, तो मैं बी किधर है, बी कहाँ है? ए के इधर है, इधर है. ए के वेस्ट में मैं इस तरफ बी बनाऊ, मतलब ये मेरा बी और ये मेरा ए. सही बना रहा है क्या मैंने? देख लो जरा, सही है? सबने, सबको, सब इसके साथ सहमत है? ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं ऐसे चली 10 किलोमीटर, मतलब यू आई ना, ए ईस्ट ऑफ बी, ईस्ट ऑफ बी में चल रही हूँ, देख लो. फिर नो, हाँ और तो आप बताओ फिर. एक ऑल्टरनेटिव ये मैं बना रही हूँ, ए और बी, ठीक है, और एक मैं ऐसे चली हूँ. अब बताओ कौन सा, फर्स्ट सेकंड? सेकंड. हम के दिवाली मन रही क्या, पटाखे क्यों फूट रहे हैं? फर्स्ट सेकंड, विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी के ईस्ट में चल रही हूं मैं बी के ईस्ट सेक्शन में चल रही हूँ, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में चल रही हूँ. बताओ जरा बी कहाँ होना चाहिए? क्वेश्चन वापस से बोल देती हूँ आपके लिए. फर्स्ट लाइन बोल रही हूँ, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी. सॉरी, ही वॉक ईस्ट टू पॉइंट बी, ईस्ट ऑफ बी नहीं, टू पॉइंट बी, आई एम सॉरी. ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन उल्टा हो गया. चलो अब सेकेंड. अच्छा अगर वो होता तो अभी, चलो अभी तो क्वेश्चन की गलती हो गई थी मुझसे, तो फिर क्या होता? ईस्ट ऑफ बी लिखा होता मैंने अगर, मतलब मैं बी के ईस्ट में मूव कर रही हूँ. बी का ईस्ट, हाँ फर्स्ट, पर मैं मूव बी के ईस्ट में कर रही हूँ, तो मूवमेंट किस तरफ होना चाहिए? बी का ईस्ट तो उधर है और मैं ऐसे मूव कर रही हूँ. फिर सेकंड वाला होगा पक्का? भाई देखो ना, बी का ईस्ट तो उस तरफ होता है ना, और मैं मूव इस तरफ कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं तो इधर जा रही हूँ ना यार, बी के वेस्ट में मूव कर रही हूँ ना, अल्टीमेटली सोचो तो सही भाई. मेरा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है? ऐसे है, ऐसे जा रही हूँ, तो मैं बी के वेस्ट में ही तो जा रही हूँ. हाँ है ना, अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा होगा तो मैं ईस्ट में जाऊंगी ना. ईस्ट ऑफ बी, बी का ईस्ट, अपना ईस्ट होगा. हाँ तो मेरा मूवमेंट ईस्ट की तरफ ही तो होना चाहिए.
तो ये वाला डायरेक्शन तो एनीवेज गलत है ना, देखो ना यार, वेस्ट है। मेरा अल्टीमेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट देखो ना, वेस्ट है, उस तरफ जा रही हूं मैं तो, और पी के भी वेस्ट में ही जा रही हूं मैं तो। मतलब तुम कह रहे हो मेरा वेस्ट इसका वेस्ट सेम ही होगा, तो मेरा वेस्ट भी उधर ही है, बी का वेस्ट भी उधर ही, तो ये वाला तो वैसे भी नहीं सही है, ठीक है, तो इधर ही आएगा। उसमें थोड़े से और अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन और गिवन होगी, जहाँ से हम कंफर्म एक ही लोकेशन बता सकते हैं। पर अभी के लिए मैं अगर ईस्ट ऑफ बी लिखती तो मैं ऐसा ही कुछ लिखती कि मेरा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ईस्ट होना चाहिए था, राइट? सो अभी तो चलो हम तो क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ए मतलब अगर ईस्ट ऑफ बी होता तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और होती ए और बी के बारे में, क्योंकि रिलेटिव टर्म्स है ना, तो हमको रिलेट करने के लिए एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, ठीक है? सो अभी तो हमारा क्वेश्चन है, ए से 10 किलोमीटर गई ईस्ट की तरफ तो बी पे पहुंच गई। ए 10 किलोमीटर गई बी पे पहुंच गई, सही है? फिर नॉर्थ में 3 किलोमीटर चली, नॉर्थ किस तरफ है? ऊपर। और 3 किलोमीटर चली तो कहाँ पहुंच गई मैं? सी पे, ये मेरा सी। फिर वेस्ट में 12 किलोमीटर चली, मतलब मैं इससे भी आगे चली गई, 12 तो यहाँ होगा ना कहीं पे, करेक्ट? क्योंकि 10 ये 10 तो ये कवर कर लिए, उसके बाद दो और, राइट? हाँ है ना, तो मैं कहाँ पहुंच गई? डी पे, ये लो भाई ये डी आ गया, ये 12 किलोमीटर चल के आई हूं मैं, राइट? देन साउथ में 3 किलोमीटर और ई पे पहुंच गई, मतलब इतना ही बराबर मैं यहां चली और मैं ई पे पहुंच गई। तो देखो ये दोनों आमने सामने ही है, ए पॉइंट और ई पॉइंट आमने सामने हो गए। देखो मैं 90 90 90 डिग्री ही मूव कर रही हूं, कैन यू सी दिस, राइट? मैग्नीट्यूड से यही फायदा होता है, अगर आप मैग्नीट्यूड रिलेटेड लाइंस बनाते हो ना, तो यू विल गेट द परफेक्ट आंसर, राइट? अब बताओ अल्टीमेटली नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, इन विच डायरेक्शन आई एम राइट नाउ? आई एम टूवर्ड्स दी वेस्ट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में हूँ स्टार्टिंग पॉइंट के। आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, हाँ है ना, करेक्ट? इज दिस क्लियर टू ऑल एवरीबडी? आई होप दिस इज गुड। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज इजी। ओके क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर, ठीक है? सो सबसे पहले तो वो नॉर्थ चला, नया क्वेश्चन, फॉर 20 किलोमीटर्स, देन आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, रुका वो ब्रेकफास्ट में, देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव अनदर 30 किलोमीटर्स, फिर लेफ्ट में 30 किलोमीटर्स, वेन ही स्टॉप फॉर लंच, खारा पी रही है बस, आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 20 किलोमीटर्स बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी। सो अगेन लेफ्ट टर्न किया एंड 20 किलोमीटर्स चला और फिर ये इवनिंग टी के लिए रुक गया। वंस मोर ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर टू रीच द टाउन वेयर ही हैड सपर, फिर खाने पहुंच गया। सो अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड अगेन ड्रोव 30 किलोमीटर्स, अब वो सपर के लिए। आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव, मतलब इवनिंग टी के बाद, ये वाला डायरेक्शन आपको बताना है कि इवनिंग टी के बाद वो कौन से डायरेक्शन में ड्राइव करना स्टार्ट किया। ईस्ट, सबने बना लिया क्या डायग्राम? बन गया क्या सबका डायग्राम? मेरे को भी बता दो। ये मेरा घर, मेरा गांव, विलेज, दिस इज माय विलेज। पहले मैं 20 किलोमीटर चली नॉर्थ में, फिर यहां से मैंने लेफ्ट टर्न किया 30 किलोमीटर का, थोड़ा सा बड़ा बना दिया इसलिए मैंने, यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट किया था, यहाँ मैंने लंच किया है, ठीक है? यहाँ लंच करके अब मैं फिर से लेफ्ट टर्न कर गई, लेफ्ट टर्न करी और मैं 20 किलोमीटर ही चली हूँ, मतलब ये 30 था और ये मैं 20 किलोमीटर चली हूँ, तो मैं एग्जैक्टली इसके सामने आ गई। यहाँ मैंने मेरी इवनिंग टी ली है, यहाँ इवनिंग टी ली, ठीक है? अब इवनिंग टी लेके मैं लेफ्ट टर्न कर गई और फिर मैं मेरे सफर के लिए रुकी,
यही बोला ना, लेफ्ट टर्न करके 30 किलोमीटर चली और फिर मेरे सफर के लिए रुकी हूँ, ठीक है। तो बताओ इवनिंग टी के बाद किस डायरेक्शन में मैंने स्टार्ट किया ड्राइव करना। सो यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया ना, उसके बाद मैंने वही डायरेक्शन में स्टार्ट किया। सो इधर चल रही हूँ, लेफ्ट टर्न इस तरफ 30 किलोमीटर और सफर के लिए रुकी हूँ, ठीक है क्या। वैसे तो अल्टीमेटली मैं मेरे विलेज में ही पहुँच गई हूँ। क्यों, राइट लेफ्ट? मैं साउथ में मूव कर रही हूँ ना, मैं ऐसे मूव कर रही हूँ ना, देखो नॉर्थ फिर लेफ्ट 30 किलोमीटर्स, नॉर्थ में जाने के बाद मैं लेफ्ट टर्न करी 30 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स वापस से लेफ्ट, सो 20। यहाँ पे इवनिंग टी के लिए रुकी, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लूंगी और ड्राइव करूंगी। तो लेफ्ट टर्न ले रही हूं और ड्राइव कर रही हूं, तो बताओ लेफ्ट टर्न इस तरफ ही लूंगी ना, करेक्ट। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई किस डायरेक्शन में मैंने ड्राइव करना स्टार्ट किया, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ तो हट गया, बताओ वेस्ट या ईस्ट, उस तरफ ईस्ट, देखो ना हीरा ईस्ट, राइट, इज दिस क्लियर? सो एवरीबडी हु आंसर्ड ईस्ट वॉज करेक्ट, ठीक है। चलें आगे, मूविंग अहेड, बीच के क्वेश्चंस आप खुद कर लेना। ओके अगेन लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, उसके बीच के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने वो सारी वैरायटीज कवर कर ली है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कैपिटल पी। मतलब के जो है वो 2 किलोमीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पी, 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम पी। आर इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के। तो के से आर कोई है वो 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम के है, ऐसे दे दिया। एम इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ आर। सो एम इज अनदर प्लेस विच इज अगेन 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ फ्रॉम आर। मतलब ये एक ये बता दिया, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये, इसके रिस्पेक्ट में ये, ऐसे बताते जा रहे हैं। देन टी इज येट अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम एम। सो टी इज अनदर 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम एम। नई लोकेशन बताते जा रहे हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट में नई लोकेशन। नाउ इन विच डायरेक्शन इज टी लोकेटेड इन रिलेशन टू पी, टी की लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू पी बतानी है आपको। साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ, ये चार हैं। वेस्ट, एवरीबॉडी वेस्ट, सब वेस्ट ही कह रहे हैं क्या? करें, स्टार्ट करते हैं। पी है, के की लोकेशन बता रहा है पी के रिस्पेक्ट में। पी से 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में के है, तो मान लेती हूँ ये नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि मैं तो इधर सेंटर में बना देती हूँ। ये पी है, इससे 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब उस तरफ। सो यहाँ पे कहीं पे 2 किलोमीटर पे मेरा के लोकेटेड होगा, करेक्ट। फिर के रिस्पेक्ट में देखो, साउथ वेस्ट में 2 किलोमीटर पे आर है, तो साउथ वेस्ट किस तरफ होता है, इस तरफ। सो 2 किलोमीटर पे यहाँ पे आर हो गया, बराबर है, तो देखो ये बराबर ही रहेंगे, तो ये आमने सामने हो गए, ठीक है। देन नेक्स्ट, आर से 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में एम है, मतलब यहीं से ही 2 किलोमीटर में ऐसे, तो ये आमने सामने हो गए एम और के, ठीक है। और एम से साउथ वेस्ट टी है, मतलब आपस में ये आमने सामने टी हो गया 2 किलोमीटर। सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो सब ये इक्वल लेवल पे होंगे और ये दोनों इक्वल लेवल पे होंगे। अब इन्हें पूछा है टी की पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो पी के रिस्पेक्ट में टी कहाँ है, देखिए जरा, इट इज इन दी वेस्ट डायरेक्शन, करेक्ट, ठीक है क्या, याद रहेगा, आया इक्वल है ना, तो इसीलिए बताइए टेढ़े मेढ़े नहीं हो रहे हैं, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है इसलिए टेढ़े मेढ़े नहीं हुए, नहीं तो नीचे भी जा सकता था, साउथ वेस्ट भी हो सकता था, वो
वो भी हो सकता था, पर वो नहीं हुआ। ठीक है, चलें आगे। विदुषी, गौरव, दिशा, शशि, दर्शिता, निखिल, एवरीबॉडी टर्न ऑन योर कैमरास। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन इवनिंग, अच्छा क्वेश्चन नंबर बोलती हूँ मैं, ओके, कैन यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 13? एवरीबॉडी क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करके आंसर बताओ ना। ऐसे ही कुछ कुछ है, राम रहीम और इन सबके घरों की बात बात कर रहा है। क्वेश्चन 13, बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। बाबू जो है वो रहीम का नेबर है और उसका घर 200 मीटर है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। बाबू का घर 200 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ रहीम, ये दे दिया है इसने, इसे बोला ऐसे ही। ठीक है, जोसेफ से, जोसेफ इज रहीम नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जोसेफ रहीम का नेबर है और उसका घर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, अगेन 200 मीटर। सो 200 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बाबू, बाबू नहीं रहीम, सॉरी। देन गोपाल इज जोसेफ्स नेबर एंड ही स्टेज 200 मीटर अवे इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो गोपाल जोसेफ का नेबर है और वो भी 200 मीटर कौन से डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट ऑफ जोसेफ। रॉय इज गोपाल नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो गोपाल नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ गोपाल, ये कौन है, रॉय। देन वेयर इज द पोजिशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबू, रॉय का बताना है विथ रिस्पेक्ट टू बाबू। हाँ जी बताइए, ऑप्शन बताऊँ क्या, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। कौन बोला साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। एवरीबडी गॉट, उसके जैसे ही था कुछ कुछ क्वेश्चन आया क्या, आदित्य, श्रेया आया क्या, हाँ जी डायग्राम बताऊं, हाँ जी कहाँ से स्टार्ट करूं, रहीम से स्टार्ट करूं कि बाबू से स्टार्ट करूं, किसके घर से स्टार्ट करूं, रहीम का घर। तो रहीम से नॉर्थ वेस्ट में हमारे बाबूजी रहते हैं, ठीक है। सो देखिए ये रहीम का घर है, नॉर्थ वेस्ट में बाबू, तो यहाँ पे, यहाँ पे ये बाबू का घर है, 200 मीटर पे ही है, ठीक है, इक्वली 200 ही है, तो मैं हटा देती हूँ, कन्फ्यूजन होएगा। फिर रहीम के घर से ही ये बता रहा है कि साउथ वेस्ट में जोसेफ का घर है, तो जोसेफ का घर किधर आएगा, साउथ वेस्ट में जोसेफ का घर यहां कहीं पे, ये जोसेफ क्योंकि साउथ वेस्ट इस तरफ ही होगा, देखो 200 मीटर, अच्छा ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे, करेक्ट लिखा है क्या मैंने, सही बना रही हूँ, ठीक है। अब जोसेफ के घर से साउथ ईस्ट में मेरे गोपाल का घर है, तो ये जोसेफ का घर है, इधर से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब इधर, यहाँ पे गोपाल का घर है 200 मीटर पे, अच्छा ये दोनों भी एग्जैक्टली ऑपोजिट आएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए रॉय का घर है गोपाल से नॉर्थ ईस्ट में, तो गोपाल के रिस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे आएगा नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे रॉय का घर आ गया, अब ये रॉय लिख देती हूँ मैं, आर ओ वाई, ठीक है, ये रॉय का घर है। अब आपको रॉय का घर बताना है विथ रिस्पेक्ट टू बाबू का घर, ये बाबू का घर है, उसके रिस्पेक्ट में रॉय का घर यहाँ पे है, मतलब ये यहाँ पे बाबू का घर मान लो, उसके रिस्पेक्ट में हमारे रॉय का घर यहाँ कहीं आ रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, साउथ ईस्ट, सो आंसर विल बी साउथ ईस्ट। आया आगे क्या, अभी डायग्राम बनाना आया, धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे बस बनाते जाओ उसको, ठीक है।
लाइंस का ध्यान रखना, देखो एग्जैक्टली सेम रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो क्या होता है वो गुचपुच हो जाती है और फिर हमारा गलत आंसर आ जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्ट आ रहा है? कुछ पढ़ाई की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सब इक्वल है, कोई फॉर्मूला लर्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मजा आ रहा है ना? आया ना? नहीं आ रहा क्या? पक्का? इतने सुंदर सुंदर डिजाइन्स भी बनानी मिल रही है अपने को। नेक्स्ट। ओके, सो बीच के क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा जो मैंने छोड़े हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नहीं नहीं सॉरी, उससे पहले क्वेश्चन नंबर, हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा पहले, उससे पहले एक जीके का क्वेश्चन। सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। अच्छा, अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ सुबह के टाइम पे सन किस तरफ होता है? ईस्ट, क्योंकि उस टाइम पे वो उगता है। तो अगर मैं मॉर्निंग बोल रही हूँ तो मतलब सन किस तरफ है? ईस्ट में। और मैं इवनिंग बोल रही हूँ मतलब सन किस तरफ है अभी? वेस्ट में, क्योंकि वो ढलने वाला है, तो इवनिंग टाइम पे वो वेस्ट की तरफ पहुंच जाता है। राइट, दिस इज ओके? ये समझ आया सबको? ठीक है, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखिए, वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन। सो टेल मी, राजा किस तरफ वॉक करना स्टार्ट किया फिर? वेस्ट। इवनिंग में बोला ना उसने, भाई इवनिंग में राजा सन की तरफ मूव कर रहा है, तो इवनिंग में सन किस तरफ होता है? वेस्ट में। करेक्ट, ओके। सो आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न्ड हिज राइट। सो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, सो राजा स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि सन इस तरफ ही है। राइट, इवनिंग के टाइम पे सन इस तरफ है। ठीक है, ही वॉक्ड सम डिस्टेंस, देन वाइल वॉकिंग ही टर्न टू द राइट एंड अगेन टू हिज राइट। सो पहले राइट टर्न किया तो इधर साउथ में चलने लग गया, राइट टर्न करते ही। अब वापस से राइट टर्न किया, मतलब वापस ऐसे मूव करने लग गया। सही है, ओके। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन टर्न राइट, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग? हाँ, अरे सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ओके वेस्ट, ओके देन राइट, सन वेस्ट में होता है, आई एम सॉरी, ओके देन राइट, सो राइट, देन अगेन राइट, अगेन राइट, फिर अगेन राइट, उसने बोला है फिर से राइट टर्न किया, आप बताओ लास्ट में, अगेन राइट। सो अल्टीमेटली मैं किस तरफ मूव कर रही हूँ? साउथ। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन मैं मॉर्निंग में पूछती तो क्वेश्चन सेम है, मॉर्निंग में स्टार्ट करा राजा चलना। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर दिया बस मैंने। वन मॉर्निंग राजा स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द सन, फिर ही टर्न राइट, फिर राइट और फिर राइट, तीन राइट, तो नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ, वो मैंने जो पहले डायग्राम बनाया था वो उसका आंसर हो जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, ऑल राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो ये लॉजिक याद रखिएगा, सो दिस इज मॉर्निंग टाइम, ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ये लॉजिक ही यूज करा है, मॉर्निंग के टाइम पे और ये इवनिंग के टाइम पे। अच्छा पता है बहुत रेयरली पूछा जाता है वैसे तो नून का, मतलब नून, नून में अगर मैं दिन के टाइम पे चल रही हूँ तो एट दैट टाइम द सन इज ओवर हेड, ये पता है ना, तो अपना नॉर्थ हो जाता है डायरेक्शन। जनरली तो इधर मॉर्निंग और इवनिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी जैसे गलती से जैसे दिन के टाइम लिखा हुआ है कि एट नून आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सन, सो इन दैट सिनेरियो आपको ध्यान रहना चाहिए कि नून के टाइम पे आपका सन जो होता है वो नॉर्थ में होता है, दिस इज नॉर्थ। ओवर हेड बोलते हैं ना अपन लोग, सन इज ओवर हेड ड्यूरिंग द नून टाइम, सो ओवर हेड मतलब हमारे माथे के ऊपर ही, माथे के ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। ठीक है, ऑलराइट, सो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17। फाइव बॉयज ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल। ओके, सो फाइव बॉयज आर सिटिंग इन अ पार्क इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ओनली। ठीक है, सर्कुलर फैशन में ही बैठे हैं। नाउ ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट,
ए जो है वो साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है। क्या मैं कह सकती हूँ ए यहाँ पे होगा, तभी तो वो ऐसे सामने की तरफ दिखेगा, साउथ वेस्ट। हाँ है ना भाई, मैं ऐसे टेढ़ी बैठी होंगी तो मैं साउथ वेस्ट में देखूंगी, तो मतलब बेसिकली मैं नॉर्थ ईस्ट में बैठी हूँ भाई। जिस डायरेक्शन में मैं देख रही हूँ एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं बैठी हूँ, तो मैं अगर साउथ वेस्ट में देख रही हूँ तो मैं नॉर्थ ईस्ट में बैठी हूँ, नॉर्थ में देख रही हूँ तो साउथ में बैठी हूँ, साउथ में देख रही हूँ तो नॉर्थ में बैठी हूँ, करेक्ट? सही है कि नहीं है? ठीक है, चलिए। मैं यहाँ बैठी हूँ, ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ साउथ वेस्ट में वो देख पा रहा है। देन डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, तो डी जो है वो साउथ ईस्ट फेस कर रहा है। साउथ ईस्ट इधर होता है तो डी की पोजिशन यहाँ होगी नॉर्थ वेस्ट में। देखिए जरा, डी यहाँ पे होगा कहीं नॉर्थ वेस्ट में, वो इधर देख रहा है, वो ऐसे देख रहा है, ये ऐसे देख रहा है, ठीक है। देन बी एंड ई आर राइट ऑपोजिट ए एंड डी रिस्पेक्टिवली, मतलब बी जो है वो जस्ट ऑपोजिट टू ए है और ई जो है वो जस्ट ऑपोजिट टू डी है। तो बी ए के ऑपोजिट मतलब यहाँ पे बी जस्ट ऑपोजिट मतलब एकदम सामने, और डी के एकदम सामने इज ई, इसने हमको बता दिया है। फिर बोल रहा है ओके, सी इज इक्वी डिस्टेंट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के इक्वी डिस्टेंट है सी, मतलब सी यहाँ पे कहीं होगा, डी और बी के इक्वी डिस्टेंट तो यहाँ बीच में हुआ दोनों के। हाँ ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, तो देखो जब आप नॉर्थ में अपनी बैक रखे हो तो आप साउथ को फेस कर रहे हो, ऐसा ही होता है, हम जिस तरफ फेस करते हैं हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं बेसिकली, करेक्ट? अगर मैं फेस साउथ वेस्ट को कर रही हूँ मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट में बैठी हूँ, तभी तो मेरा फेस साउथ वेस्ट की तरफ है, मैं साउथ वेस्ट को देख सकती हूँ, राइट? आ गया। अब सी बीच में है, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, बताइए सी किस तरफ फेस कर रहा है? तो सी यहां बैठा है तो इसका फेस इस तरफ होगा, ईस्ट। आया सबको? इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब ये दोनों अगर हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस हैं तो उससे इक्विडिस्टेंट हमारा मेन डायरेक्शन होता है, राइट? ये मेन डायरेक्शन पे बैठा है, मेन डायरेक्शन का आपको ऑपोजिट दिखना है। आया? ये चार कार्डिनल डायरेक्शंस यूज किए थे हमने, ये मेन डायरेक्शन यूज किया, ठीक है क्या? चलें आगे। ऑल राइट, सो वन इज दिस सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 19, आप एक बार खुद ट्राई करें ना। क्वेश्चन 19, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में 8 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स, टर्न्स लेफ्ट वॉक्स 7 किलोमीटर एंड देन वॉक्स 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ, साउथ में 20 किलोमीटर्स, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स किलोमीटर, देन वॉक्स 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स। अगेन राइट टर्न किया और फिर से 12 किलोमीटर्स चला। ओके, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, चारों मेन डायरेक्शन ही रखे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑप्शन है। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है आपको बताना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ बोला है कोई, और कोई ऑप्शन साउथ के अलावा? साउथ वेस्ट या साउथ, ओनली साउथ, ओनली साउथ, सबका आ गया क्या? ओनली साउथ, डन। नीति आया? डन नीति? नॉर्थ लास्ट का क्वेश्चन रिपीट करूं, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग राइट नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कौन से डायरेक्शन में है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, बना लिया के सबने? आया क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? बना भी नीति? साउथ वेस्ट आ रहा है तो मैग्नीट्यूड सही नहीं बनाएंगे, चलो ठीक है देखते हैं। देखिए इधर,
मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग है। यहाँ से मैं 8 किलोमीटर्स नॉर्थ में गई हूँ, सो नाउ हियर। फिर यहाँ से मैं राइट टर्न करी और 12 किलोमीटर्स गई, सो 8, फिर 12। बहुत बड़ा होगा 12, तो 8 के कंपैरिजन में, राइट में 12। देन अगेन आई टर्न लेफ्ट एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर्स, सो 7 किलोमीटर्स यहाँ पहुँच गई। देन आई एम सेइंग कि आई मूव टुवर्ड्स साउथ फॉर 20 किलोमीटर्स, सो मूव टुवर्ड्स साउथ फॉर 20 किलोमीटर्स कैसे लिखना चाहिए? मैं यहाँ पे हूँ, आई एम हियर, साउथ में मूव कर रही हूँ 20 किलोमीटर्स, बताएंगे कैसे बनाऊँ इसको? इस वेरी गुड, इसी के नीचे से एक्सटेंड कर दूँ, 7 किलोमीटर चल लिया और साथ, और फिर कितना चली हूँ, 20, तो मतलब 13 किलोमीटर और चली होंगी, तो ये 8 को तो ओवरकम कर गई, ये 8, ठीक है, और फिर 5 और चली गई मैं, हाँ है ना, यहाँ पहुँच गई मैं, सही के देख लो, काउंट कर लो, 7 और 8 15 और 5 20 किलोमीटर टोटल वापस से नीचे आ गई। फिर इसने बोला राइट में 12 किलोमीटर चल रही हूँ, तब यहाँ से राइट में 12 किलोमीटर मतलब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, एग्जैक्टली इसके नीचे, देखो, क्योंकि ये 12 है ना, तो ये भी 12 है, क्योंकि इसने बोला ना 12 किलोमीटर टुवर्ड्स दी लेफ्ट चली हूँ मैं, साउथ फेसिंग थी, सॉरी साउथ फेसिंग थी, टुवर्ड्स द लेफ्ट, नहीं राइट ही है, सॉरी राइट पे क्वेश्चन, राइट, सो राइट में मैं 12 किलोमीटर वापस मूव करी, सो अल्टीमेटली मैं इसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे आ गई हूँ, देखो ना 12 किलोमीटर वापस बराबर चल के और नीचे इसके, तो ये एक जैसे यहाँ पे तो इक्वल साइड हो गई, एक रेक्टेंगल जैसा ही है बेसिकली, ठीक है, आया? सो नाउ ही इज आस्किंग यू कि भाई कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके नीचे की तरफ है, मतलब ये साउथ डायरेक्शन है, एग्जैक्टली नीचे है, देखो, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड से एग्जैक्ट नीचे आपको समझ आएगा, राइट? आया? एम आई क्लियर? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, 20, 20, ठीक है, डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है, द शेडो ऑफ गोल गुंबज फॉल्स ऑन 12 कमन, शेडो, अच्छा शेडो कब बनती है, जब सन मेरे पीछे होता है, जब सन मेरे पीछे होता है तो शेडो बनती है, ऐसी बनती है ना, देखो थोड़ा सा अगर साइंस का पता हो तो, जैसे ये मैं, ये एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे अगर सन है तो सन की रेज आती हैं और इस पर्सन की यहाँ पे शेडो बन जाती है, ऐसा कुछ होता है, ऐसे ही होता है ना, सन पीछे है तो हमारा शेडो सामने बनेगा, ओके, सो अब बताइए मॉर्निंग के टाइम पे गोल गुंबज की जो शेडो है वो 12 कमन पे जा रही है, और इवनिंग के टाइम पे 12 कमन की शेडो जो है वो गोल गुंबज पे जा रही है, इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबज टू 12 कमन? तो देखिए जब मॉर्निंग टाइम है, ये मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम में सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो शेडो किसकी बन रही है, देखो गोल गुंबज की 12 कमन पे, मतलब यहाँ गोल गुंबज, यहाँ बना देती हूँ, चलो यहाँ गोल गुंबज है और यहाँ मेरा सन है, तो इसकी शेडो यहाँ कहीं 12 कमन होगी, उस पे गिरेगी, सन इसके पीछे है तो इसकी शेडो इस पे गिरी, और इवनिंग टाइम में क्या हुआ, सन यहाँ आ गया वेस्ट में, तो 12 कमन की शेडो बनेगी और गोल गुंबस पे गिरेगी, फॉल करेगी, बनेगी मतलब, ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कि इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबस टू 12 कमन, 12 कमन के रिस्पेक्ट में गोल गुंबस कौन से डायरेक्शन है, 12 कमन के रिस्पेक्ट में गोल गुंबस किस तरफ है, ईस्टर्न साइड, राइट, सो इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ योर 12 कमन, ठीक है, चले आगे, इस इज क्लियर, अब ये वो देखो मॉर्निंग इवनिंग वाला क्वेश्चन ही था, शेडो वाला भी होता है, सही क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड, मैं उल्टी गड़ी हूँ, वो ऑन हिज हेड करते ना, ठीक है, विथ हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, हेड पे खड़ी हूँ और फेस जो है वो साउथ की तरफ है, मतलब मैं किस
किस तरफ खड़ी हूँ? जनरली हम लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, है ना? अभी जब मैं उल्टी खड़ी हूँ तो डेफिनेटली मेरा फेस साउथ की तरफ हो जाएगा। सोचो, अपने आप को इमेजिन करो, आप उल्टे खड़े हो, करेक्ट? सही है कि नहीं है? फेस साउथ में हो गया, सोचो। उल्टे हो गए तो साउथ में, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि टू विच डायरेक्शन विथ हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट, लेफ्ट हैंड कौन से डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? लेफ्ट हैंड कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट में, ओके। और वेस्ट, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, कोई ईस्ट, कोई बताएगा लॉजिक? फेस इज टुवर्ड साउथ, फेस इज टुवर्ड साउथ, कोई वेस्ट। लेफ्ट हैंड पूछा है मैंने, लेफ्ट हैंड, ये रहा लेफ्ट हैंड, ये किस तरफ पॉइंट करेगा? ईस्ट और वेस्ट? कोई ईस्ट बोल रहा है, कोई वेस्ट बोल रहा है, कोई भी एक्सप्लेन करेगा आंसर? अपोजिट खड़ी हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो आप तो नॉर्थ में खड़ी हो तो लेफ्ट हैंड तो वैसे ही वेस्ट में ही है। वेरी गुड। ये किसने बोला है लेफ्ट टू राइट होता तो चेंज होता है? इसने लॉजिक तो लगाया है। कौन है ये बच्चा मेरा? रौनक? मैं बकरी बोली मैं। हाँ तो ये सही बोल रही है, लेटरल इन्वर्जन होता तो ही लेफ्ट राइट में चेंज आता है जनरली, पर मैंने तो सिर्फ मेरा डायरेक्शन रिवर्स किया है। तो अब बताइए किस तरफ लेफ्ट हैंड पॉइंट करेगा और किस तरफ राइट? वेस्ट, ठीक है। सो जब मैं उल्टी खड़ी हूँ, माई फेस इज टूवर्ड्स दिस साउथ, ठीक है। सो अगेन आई एम स्टैंडिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, वहां से मुझे लेफ्ट और राइट चेक करना है। सो अगेन विल बी वेस्ट। अब उल्टे खड़े हो जाओ, सोचो खुद को उल्टा खड़ा करके। योर हेड इज हिज फेस टूवर्ड साउथ, सो उल्टे खड़े हो गए, साउथ में देख रहे हैं। उल्टे खड़े हो जाओ, साउथ में देखो, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट आपका वेस्ट में ही जाएगा। इमेजिन कर लो ना खुद को उल्टा करके, ठीक है? आया सबको? एवरीबडी दिस इज क्लियर? ऑलराइट, सो क्वेश्चन 22 पे मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। आपको यहाँ तक के जितने मैंने करा दिए हैं उनको, मतलब जो बीच के बचे हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। कल की क्लास में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। अब इसमें थोड़ी और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है तो वो हम कवर अप करेंगे, एंड वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ऑल राइट, सो फिनिश ऑफ दिस क्वेश्चंस, यहाँ तक आपके जितने बचे हैं वो सारे कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग 22 तक। क्या आज कुछ था क्या? तो क्या हुआ? अरे यार, गिनती के क्वेश्चन तो छोड़े हैं मैंने, कर लेना। इतने इंटरेस्टिंग है, जब दूसरे सब्जेक्ट से बोर हो जाओ ना, सबसे थक जाओ, तब कर लेना बस। खुश 25 तक कर लेना, 25 तक हो जाएंगे तुम्हारे। अच्छा 24th भी सेम टू सेम ही क्वेश्चन है। हाँ कुछ नहीं, थके हो, पढ़ाई करो अभी, ठीक है। 25th तक कर लेना, 25th तक है ना, सारे सेम ही वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, तो 25th तक कर लेना। आधे हो गए, फिर आधे कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? थैंक यू, बाय, नो मोर डिस्कशंस, थैंक यू, बाय बाय।